फोर स्टार कैफे में तमाम देखने वालों को, हमारे तमाम व्यूअर्स को, चाहने वालों को, कमेंट्स करने वालों को, शेयर करने वालों को या सब्सक्राइब करने वालों को, हमसे प्यार करने वालों को वेलकम इन द शो। मैं अंसारी, मेरे साथ राजपूत, इधर शाह और उधर मलिक, चार लोगों का चार स्टार्स का आपके साथ साथ रहेगा। आज का मौजूद धांसू धांसू एकदम धांसू, डर तो नहीं रहा। मैं जज्बाती इसलिए रहूं क्योंकि बात लेकर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट की, और वो बात आपके सामने कौन रखने वाला है, यू कांट इमेजिन। जनाब 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 मनासा जी, मनासा। अच्छा जी, आज हम एक वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहले YouTube पर रिलीज हुई थी, उसके बाद वो Netflix पे आई और बहुत फेमस हुई। उसकी जो रेटिंग है IMDb पे वो 9.2 रेटिंग आ रही है। उस सीरीज का की रेटिंग है सर, बहुत जबरदस्त रेटिंग है, और उस सीरीज का नाम है कोटा फैक्ट्री। हाँ जी, मेरे ख्याल में आइडिया था सुपरस्टार की मूवीज जो आजकल रिलीज हो रही उनकी भी रेटिंग यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच पहुंचाई। जी जी, ये एक सौरभ खन्ना साहब थे, अच्छा, उनका आइडिया था। राघव साबू ने इसको बनाया, डायरेक्ट किया। पहले उसने इसको यूट्यूब पे डाला 2019 में पहला सीजन। दूसरे सीजन जो है इसका नेटफ्लिक्स ने परचेज कर लिया। उसने कहा जी आप यहाँ पे अपलोड करें इसको ना, सब बताएं। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि ये इंडिया का पहला सीजन है और वाहिद सीजन है, यानी कि पहला पानी का कतरा है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है। इसको टोन किया गया, इसको ग्रेड किया गया ब्लैक एंड व्हाइट में, तो ये वाहिद एग्जांपल है। आजकल के दौर में एक आर्टिस्टिक कदम है मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का इतना रुझान नहीं है यहाँ पर। हॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवीज इस तरह की बनती है, और ये पहली ही मिसाल है जिसका पहला सीजन यूट्यूब पे पर्सनल एफर्ट्स के साथ लॉन्च होता है, और उसके बाद फिर वो सेकेंड सीजन जो है वो नेटफ्लिक्स उसे उठा लेता है। इसमें डेफिनेटली फाइनेंसेस और एप्रिसिएशन दोनों चीजें, एडमायरेशन दोनों चीजें हैं जो कामयाबी की तरफ लेके गई इस टीम को। इसको मुबारकबाद हम पेश करते हैं, ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी प्रोडक्शन बनाई जो यूट्यूब पे डालते हैं और नेटफ्लिक्स इंस्पायर होती है उस स्टोरी को, वो हायर कर लेती है और उनको फंड कर देती है और वो सेकेंड सीजन लॉन्च कर देती है। बड़ी कामयाबी की बात है, एक मिसाल है। इसमें बेसिकली ना जो कोटा है, इंडिया का एक शहर है राजस्थान का ना, तो यहाँ पर ना वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते कि वहाँ बेहतरीन IIT की ना पढ़ाई होती है। IIT मीन्स के इंट्रेंस एग्जाम्स को भी आप समझ सकते हैं। तो एक उसमें जो करेक्टर है वो महबिब नाम है उसका, महबिब, वो अपने वालदैन से कहता है कि जी मैंने ना वहाँ कोटा में जाकर ना अपनी IIT की ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। पहले तो उसके वालदैन नहीं मानते, स्पेशली उसकी मदर नहीं मानती, लेकिन फिर मान जाती है। वो जाता है, एडमिशन लेता है, लेकिन वो लेट हो जाता है, उसे सबसे आखिरी बैच में एडमिशन मिलता है। एडमिशन हो जाता है, वो पूछता है सर से, सर ये होगा, इस तरह की स्टडी होगी क्योंकि मुझे आखिरी बैच में दे रहे हैं। वहाँ जोर लगाता है कि इस तरीके से मेरा फर्स्ट बैच में हो, लेकिन नहीं होता, उसे आखिरी बैच में होता है। खैर, उसका वालिद उसे छोड़ के चला जाता है। अगले दिन ना वो जब क्लास अटेंड करता है तो उसे मजा नहीं आ रहा होता है। दो दिन बाद, तीन दिन बाद ना वो प्रिंसिपल के पास दोबारा जाता है, कहता है सर आप मुझसे ज्यादा पैसे ले दें, मैं मंगवा देता हूँ, आप मुझे फर्स्ट बैच में कर दें। वो कहता है भाई अब मुझे फर्स्ट बैच में कर सकता है तो एक ही बंदा कर सकता है, वो है जीतू। जीतू भी इसमें करेक्टर है, बड़ा जहीन और उनका सबका वो टीचर होता है, लेक्चरर है वो, तो उससे मिलता है, कहता है सर आपसे रिक्वेस्ट करनी है, मुझे फर्स्ट बैच में कर दें। वो कहता है क्यों भाई, जब दो महीने बाद सबके एग्जाम होंगे, तेरे नंबर आएंगे तो तुझे कर दूंगा मैं। वो कहता है सर क्या है, दो महीने बाद आप मुझसे भी एग्जाम लेना है तो। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है चलिए ले पेपर पकड़, तैयारी करके आ, इसको ना फिल कर गया। वो सारी रात कभी किसी के कमरे में जा रहा है, कभी किसी के कमरे में जा रहा है, कभी किसी को, किसी तरह किसी तरीके से ना वो सोल्व करके सुबह पहुंच जाता है उसके पास। सर मैंने कर ली। वो पेपर देखता है, कहता तुम्हें 12 क्वेश्चन तो करनी है, बाकी 8 किधर है। उसका चेहरा देखते देखते कहता है बेटा ये 8 है ही नहीं क्वेश्चन, ये मैंने बना के डाले हुए, जो तुमने जहां से देखे ना वहां 8 पड़े नहीं। खैर, वो कहता है कि तूने एफर्ट किया है, तुझे मैं फर्स्ट बैच में लेके आता हूँ। वो फर्स्ट बैच में चला जाता है, दो दिन उसे बेहतरीन, बड़ा खुश होकर जाता है। तीसरे दिन से फील होता है यार मुझे मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, ये तो वहां पे ज्यादा समझ आ रही थी। इसी तरीके से आप मूवी देखें सर, आपको ना ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और ये इसके फेमस होने की एक वजह ये भी है कि इसके अंदर ना रियल लाइफ इमोशंस ऐड किए गए हैं। इमोशनल फैक्टर इसके अंदर इतना ज्यादा था कि लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है, और इस ये फेमस हो रहा है इसी वजह से भी, ये ज्यादा काफी फेमस हो रहा है। इसमें जो भी देखता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए बिना नहीं रहता। वाह, ये इसके बहुत इसके अंदर जो है वो है। इसको हम रिकमेंड करेंगे कि ये देखें, बिल्कुल देखा जाए इस शो को, बल्कि हम तो ये भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी जो है वो इसको देखें और कामें कमेंट करें हमारे फोर स्टार कैफे में, हमारे प्रोग्राम में कमेंट करें। मैं तो बल्कि ये बड़ा उड़ता हूँ इस चीज पर कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा पीछे है। अगर लोग मोबाइल पर सिर्फ मूवीज बनाकर नेटफ्लिक्स को सेल कर सकते हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है,
अगर इस तरह के लड़के अपनी लोकल कम्युनिटी में एक मूवी बनाते हैं, अपने सोशल इशू को, अपने पढ़ाई को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, अपने माहौल को फिल्माते हैं और एक यूट्यूब पे डालते हैं सीजन, और वो सीजन ही नेटफ्लिक्स उनसे परचेज कर लेता है, बड़ी एजाज की बात है और कामयाबी। हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना अदाकारी की कमी है, ना कॉन्टेंट राइटिंग की कमी है। यहाँ का म्यूजिक इंडिया से और आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लोकेशंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। हम अपने सोने को भी ना मट्टी कर देते हैं और दुनिया जो है वो अपनी मट्टी को भी सोना बना देती है। सर इतना खैर आप इतने ज्यादा अफसरदा ना हो, मैं आपको थोड़ा सा एक अच्छी खबर दे देता हूँ जी कि पाकिस्तान में भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उर्दू फ्लिक्स के नाम से। अपना लॉन्च किया? अपना उर्दू फ्लिक्स के नाम से। उर्दू फ्लिक्स इजीली आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैस के अच्छी पैसे से आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप करें, काम करें, आपको ये अच्छी बात है। इसको बल्कि देखूंगा यार, इस पे कंटेंट भी पाकिस्तानी कंटेंट है। वेरी गुड, सेम वही पैटर्न है जिस तरह होता है ओटीटी का, उसी तरह कर रहे हैं। अच्छी एफर्ट है, बड़ी बात है, बड़ी बात। तो दैट्स गुड, इसलिए मैं कहता हूँ इतने मायूस ना हुआ करो। मैं कब मायूस लड़ रहा था कल कत्ल करने का, मुझे आ रहा था कि पाकिस्तानी क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तानी देखा एक दिन में मैंने कर दिया। चलें देखते हैं किसने बनाई है उर्दू फ्लिक्स, पता है? जब फिर देखो, फिर वही बात सर जी, जिसने बनाई है यार बेहद यार बहुत बढ़िया सर जी, इसकी फिर वही बात है जी, मैं बता तो देता हूँ, करना किसी ने नहीं है, देखते हैं। ले डियर्स, तो फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।